आगरा से। सपा नेता सुप्रीमो अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने पर सपा नेताओं का आगरा में कठोर प्रदर्शन व लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद आगरा में अलर्ट जारी। सपा नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार कर रही है तानाशाही। बताते चले, लखीमपुर खीरी में हिंसा के बाद आगरा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव की तारीख के बाद आगरा में सपा नेताओं ने प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। सोमवार की सुबह से ही सपा नेता फतेहाबाद रोड स्थित कार्यालय पर एकत्रित हुए, वहां नारेबाजी शुरू कर दी गई और सपा नेताओं ने कहा कि भाजपा सरकार तानाशाही कर रही है। फतेहाबाद रोड स्थित कार्यालय पर सपा जिला अध्यक्ष मधुसूदन शर्मा और महानगर अध्यक्ष वाजिद निसार पहुंच गए। दोनों ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की। उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, सपा किसानों के मुद्दे पर चुप रहने वाली नहीं है, भाजपा सरकार विपक्ष को दबाने की कोशिश भी कर रही है। आगरा से दिव्यांशु राय की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री के किसान भाइयों को रोंदने का काम किया, मारने का काम किया, उसमें एक पत्रकार भाई की भी मौत आज सुबह हुई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी लखीमपुर खीरी जाने से जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए सरकार ने उनको गिरफ्तार कराया, पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ आगरा में समाजवादी लोग रोड पर निकले और हमें कलेक्टिव कूच नहीं करने दिया, तो हम लोग फतेहाबाद रोड पर चौराहे पर हम लोग आज बैठे हैं और धरना देकर बैठे हैं। हमारे तमाम पार्टी के नेता कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है। आप देख रहे हैं किस तरीके से तानाशाही सरकार पुलिस का रवैया हमें घेर के, तमाम थानों का फोर्स पीएसी हमें घेर के पड़ा है। और जनपद आगरा में हम लोगों ने सभी किसान नेता लोग से सभी से संवाद बनाया, हम लोगों ने सभी से बातचीत चल रही है और उनका अपना सभी लोग अपना अपना संगठन है। हम बहुत कम लोग आएंगे, कुछ ज्ञापन देने के उनके प्रस्ताव कार्यक्रम है, फिर भी कई लोग से बातचीत किया, उन्होंने सब मान लिया था और हमारा पोस्ट उनके साथ साथ है, हमारे कचहरी हर तहसील पर पोलिस है प्लस साथ साथ मैजिस्ट्रेट भी है, उनके ज्ञापन आ के देंगे, हम ज्ञापन ले लेंगे और उन लोग शांतिपूर्वक जो भी धरना प्रदर्शन जो भी ज्ञापन देना शांतिपूर्वक करने के लिए हम लोग उनके परमिशन दिया और शांतिपूर्वक जो ज्ञापन देंगे लोग सबसे संवाद हो चुके हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। फिर भी हमारा पुलिस हर रोड पर हर जगह अलर्ट में है, सभी लोग प्योरिटी और हमारे लोकल एसएचओ सब लोग राउंड्स पर है और सभी किसान यूनियन संगठन से बातचीत चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। नहीं, हम ऑलरेडी सबको निगाह रखे है, हम तो सभी मैंने पहले बोल चुका ना, हमारा पूरा जनपद और सफर सभी किसान यूनियन का संगठन का सबका निगाह रहता है और उनसे संवाद बना है। हमारा आगरा का किसान यूनियन हम लोग का सर उनका जो भी प्रोग्राम उन्होंने बताया, हम ज्ञापन देंगे उसके अनुसार हम ज्ञापन ले लेंगे, उसके शासन के भेजेंगे और सभी तहसील पर सभी मुख्यालय पर जो कलेक्ट्री में सब जगह पोस्ट लगी है और हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल सभी लोग शांतिपूर्वक उनका जो ज्ञापन है शांतिपूर्वक हम ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं।